वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं यमी से अप्पे। उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। ये देखिए, हमने ये एक कप ले ली है सूजी, आधा कप दही, ऑयल तड़का लगाने के लिए, राई और घी में हम सेकेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये लिया है हमने नमक और लाल मिर्च, अपने स्वाद के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। पानी लिया है। ये अप्पे पैन में हमने ग्रीस कर लिया है अप्पे पैन को। एक गाजर को ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया काट लिया है, कुछ ये हमने करी लीव्स ली हैं, आप देख सकते हैं फ्रेश करी लीव्स हैं, इनको हमने बारीक काट लिया है। एक प्याज को बारीक काट लिया है। ये ली है हमने डेढ़ टेबल स्पून, बड़ा चम्मच, डेढ़ चम्मच चना दाल सूखी वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बाउल में डाल ली है सूजी, दही डाल दिया है ऊपर से, इसको मिक्स करेंगे। दही मिक्स होने के बाद प्याज डाल देंगे, एक कटा हुआ बारीक प्याज, गाजर, हरा धनिया, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से आप बना के देखिएगा, बहुत बढ़िया बनते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत लाइट ब्रेकफास्ट है। तो हम एक कप पानी ले रहे हैं, उसमें से जितना यूज होगा उतना हम डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने नमक और लाल मिर्च भी डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा सा पानी धीरे धीरे ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, नमक और लाल मिर्च जितनी आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप का ये मिक्सचर हो गया है। तो अब जब तक ये रेडी होता है तब तक हम इधर छौंक का तैयारी करते हैं। इसमें हम तड़का लगाने वाले हैं, ये तड़के वाले अप्पे बनाएंगे। दो बड़े चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है, इसको गर्म होने की इंतजार करते हैं। इसमें हमने राई डाल दी है एक चम्मच, इसको चलाएंगे। ये दो टेबलस्पून तेल है, राई तड़क रही है और इसके तड़कने के बाद हम डालेंगे इसमें वो चना दाल, जो कच्ची चना दाल हमने ली है। ये थोड़ा ब्राउन होने लगी है, अब हम इसमें ये डाल देंगे कड़ी पत्ता और धनिया। थोड़ा ध्यान से डालिएगा, गैस को ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है। और ये तड़का डाल देंगे अब हम इस बैटर में और ये बहुत टेस्टी लगने वाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना कलरफुल और कितना बढ़िया ये लग रहा है। और कंसिस्टेंसी देखिए, चम्मच से मैं उठा के दिखाती हूँ, ये इस टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी। अब इसमें डाल रहे हैं हम एक चम्मच इनो, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं, बस उसी समय इसको डालेंगे। इधर हमने पैन को भी गर्म होने रख दिया है, अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है। हमने बैटर को 5 मिनट रख दिया था, 5 मिनट के बाद इनो डाला है, तो 5 मिनट जरूर रखें, 5 से 7 मिनट तक। इस तरह से हम बैटर इसमें डाल देंगे। देखिए, गैस को हमने धीमा कर दिया है, गैस बिल्कुल धीमा है और इस तरह से हमने इनको फिल कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे, इसको कवर कर दिया है और इसको सिकने देते हैं। अब देखिए, हमने इसका कवर हटाया है, ऊपर से थोड़ा कलर चेंज हो गया है, अभी सिका नहीं है। हम कवर को हटा लेते हैं और इनको चेक कर लेते हैं। देखिए, ऊपर से कलर जो है इनका चेंज हो गया है और अब हम ऐसे साइड से थोड़ा सा इसको हटाते हुए पलटेंगे ताकि दोनों तरफ से ये सिक जाए अच्छे से। ये देखिए कितना बढ़िया ये सिक गया है।
इसी तरह से हम सारे अप्पे जो है वो पलट लेंगे। और मैं इनको घी में सेक रही हूं, इससे ना बहुत अच्छी खुशबू और ये बहुत अच्छे लगते हैं टेस्ट में, तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे जब आप ढक के पकाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि जल्दी से चेक मत करिए, बस ऊपर से कलर चेंज हो जाए, और गैस को आप लो टू मीडियम रखें क्योंकि गैस तेज नहीं होनी चाहिए। तो एक लकड़ी का भी स्पैचुला आता है इसके साथ, वो मेरा अभी नहीं मिला है, तो मैं बड़े ध्यान से इसको ऐसे पलट रही हूं। आप उसी लकड़ी के साथ करिए, ये देखिए, या स्पून ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ना आप कितने अच्छे से ये हो गया है। तो अब हम इसको दोनों तरफ से सेकते हैं, दोनों तरफ से सिक गए हैं। कैसे पता चलेगा, आप ही देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे परफेक्ट कलर आ गया है। जितना आप चाहें उतना सेक सकते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट्स में। अब ये देखिए दूसरा जब हम डालेंगे तो इसमें नीचे हम थोड़ा थोड़ा ऐसे घी डालेंगे, सभी उसमें घी डाल लेंगे, इससे क्रिस्पी भी होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। जो लोग घी नहीं खाते वो फिर ऑयल का यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से हम इसको ये फिल कर देंगे, ज्यादा फिल करेंगे तो अच्छा गोल बन जाएगा, नहीं करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ये चॉइस आपकी है। और इनको भी हम उसी तरीके से पलटेंगे दूसरे वाले जो है। तो देख रहे हैं ना, इस तरह से हम डालते जाएंगे, इसको पूरा फिल कर देंगे। और सेम प्रोसीजर है सेकने का, दोनों तरफ से सेकना है, पेशेंस के साथ सेकना है। और जो आपको ये घोल है वो भी आपको 5 से 7 मिनट तक ढककर रखना है। तो ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपके ये बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये देखिए हम इनको पलट लेंगे, बहुत अच्छे से सिक गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि बस आप पेशेंस रखिए सिकने तक। ये देखिए कितने अच्छे से सिक गए। अब अगर आपको खूब अच्छे से क्रिस्पी चाहिए तो ये ऊपर से हल्का हल्का घी लगा लीजिए, तब उसको पलटिए तो और क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आप नहीं घी पसंद करते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर आप रहने दीजिए, स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे पलट लेंगे। तो देखिए ये हमने पलट लिया है, कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया। जो कलर आपको चाहिए आप उस तरह का कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, मैं इनको दूसरी तरफ से ब्राउन होने के बाद निकाल लूंगी। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, उस बीच में आपको ये सेक कर बता देती हूँ। मैंने निकाल लिया है, केवल ये बताया कि दूसरा घान डालना है तो आपको कैसे करना है। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ, बहुत बढ़िया, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट है, कैसे जाली पड़ी हुई है आप देख सकते हैं क्लोजअप में। देखिए तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यमी लगने वाला है। और टोटल हमारे इसमें 28 पीस बने हैं, तो मैंने आपको ये बताने के लिए किया है कि अगर आप एक कप सूजी में 28 पीस बनते हैं तो अगर आपको कम चाहिए तो आप हाफ कप में भी बना सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।